मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नहीं सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसमें फिर इनके कारवां को यानी कि जिस पार्टी ने फिर जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वह हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी इनके सम्मान में राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया गया था, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले